नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरी बातों को समझना। हम बात करने वाले हैं मनरेगा योजना यानी कि मनरेगा मेट में भर्ती की अपडेट, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों कर सकेंगे आवेदन। कैसे क्या अपडेट है लाइव विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। अगर बातें सही ना निकली तो जिंदा जला देना, चैनल पर ही मिलूंगा। भीमा चित्रा की चैलेंज है, अगर बातें सही नहीं हुई ना तो जिंदा गाड़ देना मुझे। लेकिन वीडियो भाई पूरा देखना, रिक्वेस्ट यही है। और वीडियो की बातें अच्छी लगी हो और मैं जो दिखाऊंगा एविडेंस अगर वो अच्छी लग जाए ना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे प्यार में, हमारे स्नेह के लिए एक लाइक करना और कमेंट करके अपनी बातों को हमारे पास जरूर पहुंचाना। सभी की कमेंट में यहां पर रिकवर करता हूं। चलिए बात करते हैं अब आपको एविडेंस की कि कैसे आपके कितने लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इंफॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलते हैं दोस्तों। तो ये पेपर की न्यूज है और इस पेपर में मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा। लोग कहते हैं पेपर में भर्तियां ऐसे निकलती हैं, आती हैं, चले जाती हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, बातों को देख लीजिए, इसके बाद मैं विथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। बातें अच्छी ना लगे ना तो वीडियो को डिसलाइक करना और मुझे जिंदा गाड़ देना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे चैलेंज किया है। तो यहां पर मुद्दे की बात यह है गाइस कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 22,000 महिला मेट होंगी नियुक्त। ठीक है, इतना ही जानिए कि 22,000 नियुक्त होने हैं। दूसरी पॉइंट यहां पर आप देखिए, 35,000 महिलाएं सामुदायिक शौचालय में होंगी भर्ती। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं उन भाइयों के जिन्होंने भी आवेदन कर सकते हैं, जो 22,000 पुरुषों की बात की गई है। चलिए मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करता हूं, नोटिफिकेशन दिखाता हूं, एक आदेश आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा गया है 22,000 महिला मेट नियुक्त होंगी। तो बिल्कुल महिला मेट नियुक्त होंगी, देखकर आप लोग घबराइएगा मत। अभी फाइनली मैं दिखाने वाला हूं कि पुरुष भी इसमें आवेदित करेंगे, उसकी भी न्यूज है। बस बने रहे पूरी वीडियो के एंड तक, यही रिक्वेस्ट है बंधु। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, परेशान हो जाते हो। चलिए, यहां पर लिखा गया है अधिक महिला मेट नियुक्त की जाएंगी, जो है 22,000 से अधिक। ठीक है, और यहां पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए किया जाएगा और प्रत्येक महिला मेट के हर महीने 8,400 रुपये महीने से अधिक मानदेय मिलेगा। मनरेगा के नियमों के तहत 50% श्रमिकों के कामकाज पर निगरानी के लिए एक महिला मेट यानी कि एक मेट नियुक्त का प्रावधान है। यानी कि अगर 50 जो है श्रमिक हैं तो उस पर एक मेट की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश सरकार में 50% महिला मेट की नियुक्ति होगी। बातें कुछ समझ में आई, यानी कि 50% मेट जो है महिला बनेंगी और ये बनाने का निर्णय लिया गया। और प्रदेश में वर्तमान में करीब 22 लाख से अधिक श्रमिक प्रतिदिन मनरेगा में काम कर रहे हैं। ऐसे में करीब 44,000 मेट नियुक्त होने हैं, इनमें 22,000 महिला मेट नियुक्त होंगी। अब अगर 22,000 महिला मेट नियुक्त होंगी तो 22,000 क्या आसमान से लेके आएंगे? तो 22,000 कौन भरा जाएगा? पुरुष भरे जाएंगे 22,000। इस बात को आप जान लो। वीडियो के एंड तक मैं आपको अभी नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं कि एक आदेश कैसे जारी हुआ है। तो महिला मेट को अर्धकुशल श्रमिक के बराबर पैसा दिया जाएगा, यानी कि जो इसमें पुरुष होंगे 22,000 और 22,000 महिलाएं भरी जाएंगी। दोनों का वेतन में थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी किसने बताया? जो अपर आयुक्त योगेश कुमार जी हैं, मिशन के जरिए मेट नियुक्त की कवायद है। तो जो 22,000 महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह से नियुक्त की जाएंगी और जो 22,000 पुरुष हैं उनका दूसरा कोई सिस्टम होगा। वो जैसे ही जो भी अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। चलिए फाइनली आपको ऑफिशियल न्यूज दिखा ही देते हैं। सो वेलकम बैक गाइज, ये देखिए 3 अगस्त 2021 की अपडेट है। यहाँ पर लिखा गया है सेवा में समस्त जिला अधिकारी कार्यक्रम समन्वयक उत्तर प्रदेश। तो मनरेगा के तहत क्या है? महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यस्थल के पर्यवेक्षण हेतु मेट के संबंध में प्रदेश में, यानी कि जो महोदय जी हमने क्या कहा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत महिला मेट की तैनाती किए जाने तथा स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कन्वर्जेंस करने के संबंध में शासन अर्धस से जो शासन स्तर है उससे निर्गत एक शासनादेश संख्या यहां पर देखने को मिल रही होगी। शासनादेश संख्या आपको 8/3/2021 को जारी कर दी गई है और ये पूरी अपडेट आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, उल्लेखनीय है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर 2020-21 में इन तमाम बिंदुओं पर ग्राम रोजगार सेवक के दायित्व
दायित्व का जो है पहल किया जाएगा। और निम्न प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत चयनित मेट द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक के पर्यवेक्षण के समस्त कार्य संपादित किए जाएंगे। अतः मनरेगा योजना अंतर्गत चयनित महिला मेटों के संबंधित ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवक के पर्यवेक्षक पर कार्य कराए जाने हेतु संबंध निर्देशित किया जा रहा है। तो ये थी इंफॉर्मेशन, आपको कैसे लगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज पूरी सिग्नेचर के साथ योगेश कुमार अपर सचिव जो हैं इन्होंने ये ऑफिशियल न्यूज़ जारी किया है और ये तारीख 3 की है यानी कि कल। तो भाई ज़्यादा मैं लेट नहीं हूँ, एक दिन लेट हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।